भाई बहुत डाउट आ रहा था कि मॉक में स्कोर नहीं आ रहा, 120 नंबर पे अटक गया है, 90 नंबर आ रहा है, 100 नंबर आ रहा है, कैसे करे क्या करे, स्पीड नहीं बन रहा है, सारा सोल्यूशन नहीं गया है। मैं इस क्वेश्चन को तो अपना चैलेंज पेट्रोलेशन गेम पे आपका सॉल्व करता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है ना कि मॉक में स्कोर रुक गया है, या मॉक में स्कोर बहुत ज्यादा वैरी कर रहा है, या आपका टाइम नहीं बन रहा है, स्पीड नहीं बन रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहा, बहुत मुश्किल है। ये पूरा पर्ची बनाया हूँ रात में कि मैं क्या गलती कर रहा था। मेरा जब 54 नंबर आता था, 65 नंबर आता था, 70 नंबर आता था 100 में, तो वहां से लेके मैं अपने प्री में 180 नंबर तक कैसे गया, पूरा इसमें गलती का काला चिट्ठा लिखा है मैंने कि मैंने क्या क्या गलती की थी, और आपको बताऊंगा कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका ही फायदा है। वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 4-5 चीजें गलती की बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। हो सकता है कि तुम उन 5 चीजों में से कोई 3 गलती कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है या बढ़ नहीं रहा, ठीक है, ध्यान सुनना। और सीजीएल 2023 के लिए जो टेलीग्राम में ग्रुप चल रहा है, वो पर्सनल ग्रुप बना दिया है प्राइवेट, उसमें डेली टारगेट स्टार्ट भी हो चुका है डे वन से, तो उसमें जुड़ जाओ आके, तैयारी करते रहो, ज्यादा टाइम बचा नहीं है क्योंकि अब सिर्फ 30 दिन बचा है, कहने को 45 दिन है लेकिन सिर्फ 30 दिन। किस लिए? 5 दिन तुम बीमार रहोगे, 5 दिन कोई मेहमान आएगा, और 5 दिन तुम्हारे पढ़ने का मन नहीं करेगा, मतलब 45 दिन में 15 दिन गया, तुम्हारे पास 30 दिन है, तुम्हें अपना मॉक तैयार करना है अच्छे से और रिविजन अच्छे से करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊंगा कि स्पीड, स्पीड क्यों नहीं बनता आप लोगों का, क्यों टाइम कम रह जाता है, या क्यों आप लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, मैं आपको बताता हूँ। स्पीड ना बनने के सिर्फ दो कारण है, एक है कैलकुलेशन और दूसरा है रीडिंग एबिलिटी। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसको। कैलकुलेशन क्या है भैया? जब तुम कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे, तो तुमको रीजनिंग और मैथ्स दो सब्जेक्ट में कैलकुलेशन करना है। अगर तुम कैलकुलेशन करने में टाइम लगाओगे तो तुमसे ज्यादा तेज कैलकुलेशन कर रहा है वो तो आगे निकल गया, वो तो पहले कर लेगा ना, उसके पास तो बेनिफिट है क्योंकि उसका कैलकुलेशन दे दिया। तुम दो से दो गुणे दो करने में तुम 5 मिनट लगा दो, एक कहने की बात कह रहा हूं मैं, और कोई दो गुणे दो 2 सेकंड में कर दे तो भाई आगे निकल रहा है वो। तो सबसे पहले आपको अपना कैलकुलेशन मजबूत करना है। कैलकुलेशन मजबूत कैसे होगा भैया? सीधे सीधे एक फंडा है, 50 तक पहाड़ा याद करो टेबल, 50 तक क्यूब याद करो, 50 तक स्क्वायर याद करो, बिना मतलब का कैलकुलेशन करो डेली 15 मिनट, गुणा करो बस, 8 × 8 × 8 × 8 75 बार ले जाओ, 8 × 8 करेंगे कितना आएगा, 64 × 8 करेंगे कितना आएगा, ऐसे ऐसे करते 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 ले जाओ, 9 × 9 × 9 × 9 × 9 × 9 पूरा करते जाओ, अपने मन से करते रहो, गुणा भाग जोड़ घटाना करते रहो, 15 मिनट डेली करो, कैलकुलेशन 100% बन जाएगा। दूसरा जो क्या गलती है, रीडिंग एबिलिटी। भैया ये सोचो कि तुम एक सवाल को पढ़ रहे हो और तुमको दिमाग में घुसा ही नहीं क्या पढ़े हैं, तुम दोबारा पढ़ रहे हो, भैया 1 घंटे का पेपर है, तुम अगर औसतन देखो तो तुमको लगता है 20 सेकंड एक क्वेश्चन को पढ़ने। मान लो मैं इंग्लिश और इंग्लिश और जीके को छोड़ दूं, तुम्हारे पास 50 ऐसे क्वेश्चन है जिनको तुमको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है कभी कभी, समझ रहे हो? रीजनिंग और मैथ्स 50 क्वेश्चन है, तुम्हारा 20 सेकंड लग रहा है, तो तुम्हारा कितना हो गया, 1000 सेकंड चला जा रहा है तुम्हारा, और 1000 सेकंड का मतलब होता है भैया कम से कम मान लीजिए कि लमसम 15 मिनट तुम्हारा जा रहा है, 15 मिनट तुम्हारा सिर्फ पेपर पढ़ने में जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ने में जा रहा है, उसको तुमको सॉल्व भी करना है। सोचो तो रीडिंग एबिलिटी तुम्हें बढ़ानी होगी, जैसे बढ़ानी होगी जैसे रीडिंग करना है, एक दोहरे पढ़ रहे हो, सरिता पढ़ रहे हो, कॉमिक्स पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, सब इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ो, उससे इंग्लिश में फायदा होगा और रीडिंग एबिलिटी बढ़ेगी, तो क्वेश्चन को जल्दी पढ़ पाओगे, जल्दी ग्रैप कर पाओगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और दूसरी चीज, क्वेश्चन में ना 50 बार में पढ़ो, जैसे पढ़ते जा रहा हो ना, लिखा है रेडियस आर दिया हुआ, आर लिख लिया नीचे, अभी एच दिए एच लिख लिया नीचे, बिना कॉपी पे देखे हुए, ठीक है, एक बार में तुम्हें कोशिश करना है क्वेश्चन को एक बार में मगअप कर ले मेरे दिमाग में, पूछा क्या है, दिया क्या है डेटा, और हमको करना कैसे, ठीक है, ये तुम्हारा उससे होगा। समझ में आ गया? कैलकुलेशन और रीडिंग एबिलिटी तुम्हारी स्पीड को डाउन कर रही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है भाई कि तुम लोग कहते हैं कि सर प्रेशर हो जाता है बहुत ज्यादा, मतलब समझ ही नहीं आता, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता हूँ पेपर देने से पहले। अरे भाई कैसा स्ट्रेस यार, तुमको पेपर देना है, 1 घंटा तुम्हारा है, कोई तुमसे छीन थोड़ी रहा है भाई। वो मैं देखो क्या करता था, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं लिटरली क्या करता था। एग्जाम स्टार्ट होने से 1 मिनट पहले अपने अंदर इतना जोश भर लेता था ना, इतना जोश भर लेता था, पूरे रोंगटे खड़े होते थे शरीर पे कि हाँ सारा जो भी आएगा कर देना है, टारगेट नहीं बनाना है, रीजनिंग में 45 कर देंगे और मैथ्स में 45 कर देंगे, जीके में 10 कर देंगे, अंतर यहां थोड़ी होगी, मॉक में क्या क्वेश्चन आ रहा है तुमको पता है नहीं है, लेकिन तुमको दिमाग में ये धरना है कि तुम्हें अपना बेस्ट देना है। बेस्ट कैसे देना? जोश भर लो एकदम शरीर के ना, पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एकदम जो आएगा बढ़िया कर दूंगा। उससे फायदा क्या होता है, तुम्हारा एड्रेनलिन जो होता है ना एकदम बहुत तेज उछाल मारता है, ठीक है, पहला फायदा। दूसरा, तुम्हारा जो ब्लड सर्कुलेशन है माइंड में वो तुरंत तेज जाता है, और जब तेज हो जाता है तो ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन दिमाग में अच्छे से पहुंच पाता है, और जब ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच पाता है तो तुम्हारे जो नर्व सेल्स है ना, दिमाग के जो नर्व सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, समझे, जब वो प्रो एक्टिव हो जाते हैं तो जल्दी जल्दी रिएक्शन देते हैं। जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो तुमको जल्दी से याद आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे किया था, इस क्वेश्चन को कैसे लगाया था, ये कहाँ पढ़ा था, तो तुरंत तुरंत दिमाग में चीजें आएंगी, ठीक है।
ये है जोश, समझ रहे हो, इस पर भरना है तुम्हारे अपने अंदर जोश की, हम एकदम कर देना। मॉक स्टार्ट करने से पहले ये काम जरूर करोगे एक मिनट पहले, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्लियर हो गया तुम्हारा पैनिक वाला। तीसरा प्रॉब्लम है भाई माउस का, माउस से भी बहुत ज्यादा टाइम खत्म होता है। अब जैसे देखो क्या है कि माउस तो है, मान लेते हैं यही माउस है और ये तुम्हारे पास पेन है, ठीक है। अब तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तुम्हारा आंसर आ गया 5, और 5 जो आंसर दिया वो क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी में दिया, ठीक है। अब दो तरीके लोग होते हैं यहाँ पे, एक होते हैं मेरे जैसे और एक होते हैं जिनका टाइम खराब होता है। जिनका टाइम खराब होता है कैसे होता है, देखो पेन छोड़ा आधा सेकंड, माउस पकड़ा आधा सेकंड, माउस को कर्सर से लेके गया वहां पे ऑप्शन नंबर बी पे कम से कम 3 सेकंड या 2 सेकंड, ठीक है। एक बार टिक किया, फिर आया माउस छोड़ा आधा सेकंड, फिर आया पेन पकड़ा आधा सेकंड, एक सेकंड फिर क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेगा। अगला क्वेश्चन क्या हुआ, कम से कम 5 सेकंड गया तुम्हारा। और मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं कि मैं पेन को छोड़ता ही नहीं हूं। आंसर आया, पेन फंसा गया यहाँ पे, माउस पकड़ा ऐसे ऐसे, माउस पकड़ लिया, माउस पकड़ के टिक किया, माउस रखा ऐसे, पेन हाथ में ही है, तुम्हें लिखना स्टार्ट कर दिया। कम से कम 2 से 2.5 सेकंड में काम अपना हो गया, आधा टाइम बचा लिया पेन वहाँ पे। अगर तुम ये देखोगे, अगर तुम्हारे 5 से 6 सेकंड एक क्वेश्चन को कंप्लीट टिक करने में जा रहा है, जो पहले वाला तरीका है, तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन ऐसे हैं, 600 सेकंड हो गए, 600 सेकंड में तुम्हारा 10 मिनट गया टिक करने में, सोच रहे हो। और तुम अगर ऐसे करते तो तुम्हारा 3 सेकंड में हो जाएगा, 3 सेकंड में तुम्हारा 5 मिनट जा रहा है। सब सोचो, केवल क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करना नहीं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने आएंगे, बायोमेट्रिक लेने आएंगे, कहाँ कहाँ डिस्टर्ब हो गए, कितने सारे डिस्ट्रक्शन हो गए, तो तुमको अपना फोकस्ड रहना है, समझ लो, कहाँ से टाइम बचा सकते हो ये सोचो। अब देखो, अब जो मेन पॉइंट है उस पर बात करते हैं कि सर स्कोर नहीं बढ़ रहा है। देखो दो तरीके के स्कोर आते हैं, एक जो कैंडिडेट होता है उसका स्कोर आता है कि 110 नंबर 120 नंबर पटक गया है, 110 112 115 117 120 पार। एक कैंडिडेट ऐसा होता है जिसका कि आसान पेपर मिल गया तो 120 नंबर पा गया, कठिन मिल रहा है 70 नंबर पा रहा है, 90 नंबर पा रहा है, इतना ज्यादा वेरिएशन होता है उसके टेस्ट के स्कोर में। तो देखो दो तरीके की बात है, जब तुम्हारा वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है, सबसे पहला मतलब ये है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सबसे पहली बात ध्यान रखो, जीके का तो किसी का क्लियर नहीं होता, अनसर्टेन है, लेकिन रीजनिंग मैथ्स और इंग्लिश इन तीनों में से कोई दो सब्जेक्ट तुम्हारा कमजोर है, समझ रहे हो, तभी तुम्हारा स्कोर इतना ज्यादा वैरी करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मॉक को वहीं छोड़ देना है और जाना है अपने मॉक के सॉल्यूशन में, और ये देखना है कि आपने कैसे प्रोसेस को गलती किया है, और फिर से जाओ अपने सारे नोट्स रिवाइज करो अच्छे से, उसके बाद दूसरा मॉक देना, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर नोट्स पड़े हुए हैं तो, ठीक है। और दूसरा, मेरे जैसे लड़के होते हैं जिनके पास कोई नोट्स नहीं होता, जब नोट्स नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है, मैंने तो यही सोच रहा था कि मैं पूरी तैयारी अपने नोट्स से करूंगा। तुम लोगों ने मेरे इंटरव्यूज में सुना भी होगा कि मैं मॉक्स बहुत ज्यादा मॉक्स किया है मैंने। तो मैं क्या करता था कि जैसे मेरा 90 नंबर आया, पहले मैं जब मॉक करता था तो मेरा नंबर 54 50 52 100 पहुंचने में तो 3 महीने लग गया था, 3 महीने तक तुम्हारा 100 नंबर ही नहीं आया, समझे। तो मैंने क्या किया कि जैसे कि 50 नंबर पाया, तो 50 नंबर पाने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं मैंने 150 नंबर के सवाल गलती किए हैं जो मुझे नहीं आए, ऐसी बात है लॉजिकल। तो मैं ये कह रहा था कि मैं 150 नंबर जो मुझे नहीं आया या जो मैंने गलत किया है उसको मैं रट्टा मार जाऊंगा, वो चाहे इंग्लिश का रूल हो, चाहे मैथ का क्वेश्चन का टाइप हो, चाहे रीजनिंग का कोई ऐसा हो जिसका पैटर्न बार बार आ सकता है, या जीके में कुछ भी क्वेश्चन हो, ठीक है। मैं ये सोच रहा था कि 150 नंबर जो गलती किया है, जो नहीं आया है, उसको रट्टा मार जाऊंगा, और ऐसा रट्टा मारूंगा कि अगर वो क्वेश्चन कहीं दूसरे मौके में जल्दी किया तो छूटना ही चाहिए। इसी को बोलते हैं प्रॉपर एनालिसिस। तुम्हारे पास एनालिसिस करने के लिए समय चाहिए, तुमको 1 घंटा अपने मॉक टेस्ट पे देना पड़ेगा, तभी तुम्हारा स्कोर आगे बढ़ेगा। ये 120 वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, जिनका स्कोर स्टैग्नेट हो गया, उनको क्या करना है, उनको जो 80 नंबर गलत कर, अरे मच्छर भाई कुछ काम करने दो, जो 80 नंबर का गलत कर रहे हो ना, उसको रट्टा मारते रहो, तुम्हारे पास टाइम ज्यादा नहीं बचा है, पेन ऑपरी बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो प्रॉपर एनालिसिस, अब एनालिसिस पता बताते हैं कैसे करना, तुम्हारे पास एक अलग से कॉम्प्लीट एनालिसिस की, कंप्लीट एनालिसिस करो, उसके बाद जो जीके का एनालिसिस है, तो जीके में स्कोर अच्छा करने का सबसे ही अच्छा तरीका है, जो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन के पूरे एस्पेक्ट्स को, जो नीचे सॉल्यूशन लिखा रहता है ना, सॉल्यूशन को अच्छे से लिखो, एकदम रट्टा मार लो उसको, दूसरे दिन जब मॉक दो उस क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन भी लिखो, लेकिन पहले कल वाले मॉक का 25 क्वेश्चन रिवाइज करो, उसके बाद दूसरे मॉक का 25 क्वेश्चन करो। ऐसा अगर तुम 1 महीने तक लगातार 30 मॉक दे दो ना, देखो मैं गारंटी कह रहा हूँ कि अगर इन गलतियों को आप सुधार लिए, इन गलतियों को, तो अगर आप 1 जून से मॉक देना स्टार्ट करते हैं और आपका स्कोर आ रहा है 90 और 100 ना, तो आपके 30 जून तक का मॉक का जो स्कोर होगा वो होगा 135 to 140, 150 ही आ सकता है अगर आपकी तैयारी अच्छी रही तो, ठीक है। ये ध्यान रखिए, 3 गलती हमने आपको बता दी, चौथी गलती आपको ये नहीं करनी कि टाइम को नहीं देखना है कि टाइम कितना जा रहा है, नहीं देखना। आपको अपने दिमाग में पहले से सेटल कर लेना है कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से ही आपको अपना टाइम मैनेज करना है, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करता था,
शुरू में ना पहले रीजनिंग आया, तो पहले रीजनिंग कर दिया, फिर मैथ्स कर दिया, फिर इंग्लिश कर दिया, ऐसे करता था। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ, मैंने क्या करना स्टार्ट किया, फिर मैंने देखा कि मेरा जो सबसे मजबूत सब्जेक्ट है वो क्या है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा सबसे स्ट्रांग है वो है इंग्लिश, और जीके किसी का स्ट्रांग होता नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, अपने मॉक के स्टाइल में चेंज किया। जैसे मेरा मॉक स्टार्ट होता था मैं तुरंत इंग्लिश पे स्विच करता था, इंग्लिश पे गया, इंग्लिश फटाफट 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 पढ़ा, 6 से 6.5 मिनट में मैंने इंग्लिश कंप्लीट कर दिया, और 4 मिनट में इंग्लिश के बाद आता था मैं जीके पे, और जीके 4 मिनट में कंप्लीट हो गया। 10 मिनट में मेरे 2 पेपर खत्म हो गए भैया, 2 सब्जेक्ट खत्म हो गए 10 मिनट में मेरे पास। अब मेरे पास 50 मंडी बचा हुआ और 50 क्वेश्चन बचे, दिमाग से प्रेशर दूर जाके आधा पेपर खत्म हो चुका है, समझ रहे हो। माइक से आवाज नहीं आ रही है क्या? चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा देखो क्वालिटी में दिक्कत होती है क्योंकि मेरे पास कुछ गैजेट्स नहीं है, ऐसे रिकॉर्ड कर देता हूँ मैं आपके लिए, तो उसको थोड़ा सा भावना को समझ लेना। अच्छा ठीक है, अब इसी तरह आपको भी ध्यान रखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है, किस सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले तोड़ना है जाके मॉक में, समझ रहे हो, उस हिसाब से ध्यान रखना। बहुत कुछ बता दिया, मुझे लगता है कि इन 5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, जो मैं खुद गलती करता था और उनको सुधार के मैं अपना स्कोर 50 नंबर 60 नंबर से लेके 180 नंबर तक ले गया, तो आपकी भी इन 5 में से कोई ना कोई 2-3 गलतियां होंगी, ठीक है। एक और बात बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा स्कोर नहीं आ रहा ना, तो तुम ये ध्यान रखना कि तुम्हारा रीजनिंग मैथ्स और इंग्लिश इन 3 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट कमजोर है भाई, अच्छे से मेहनत करो, कॉन्सेप्ट पे अच्छे से मेहनत करो, तुम्हारा अपने आप मॉक में स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन 5 गलतियों में से कोई 3 गलती आप भी कर रहे होंगे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हर स्टूडेंट करता है, तो इनको सुधारिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, और मैं तो यही कहता हूँ बस, चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में सीजन 2023 के लिए 1-45 दिन का जो पूरा डेली का टारगेट स्टार्ट हो चुका है, और सीजन 2024 वालों के लिए पूरा कंप्लीट टारगेट स्टार्ट होगा डे 1 से लेकर जल्दी, जितने ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे उस हिसाब से करेंगे काम। तब तक के लिए चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, 9:14 हो गए हैं, 9:45 तक ऑफिस पहुँचना होता है, अभी मुझे नाश्ता भी करना है। नमस्कार, जय हिंद, मजा लेते रहो, और भैया फोड़ दो एकदम, छोड़ना नहीं है।